गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था वाई जी टी वाई सी टी स्टोरीज नॉट ऑन मोबाइल डिवाइसेज, तो उस पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। लेकिन भाई अब सवाल ये उठ के आता है कि वाई सी टी स्टोरीज के साथ साथ लिबर्टी सिटी स्टोरीज को पीसी के लिए क्यों रिपोर्ट किया। वेल आज की वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजे का होगा। और भाई बिग शाउट आउट देते आज की इस वीडियो में सैयद राफे हैदर को, तो भाई दिल से थैंक यू कि आप इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई उस पर फॉलो कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर आंसर पूछना हो तो भाई वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। यार वाई सिटी और लिबर्टी सिटी स्टोरीज के पीसी पे ना आने की वजह ये भी होती है कि भाई ये दोनों गेम्स मोस्ट अंडररेटेड की लिस्ट में आते हैं। मतलब इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो इतने ज्यादा भाई रिलेटिव कैरेक्टर नहीं है सीजे और टोमी की तरह। उसके साथ साथ देखा जाए ये गेम जिस टाइम पे आए ये भाई इनमें इतने भी ज्यादा फीचर्स नहीं है 2006 या फिर 2005 के गेम्स में जितने होते हैं। ग्राफिक भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, जाहिर है 3D यूनिवर्स के गेम है और पीएसपी और पीएसक्यू के लिए आए। तो भाई यही रॉकस्टार गेम्स और टेक टू इंटरएक्टिव ने सोचा होगा कि इस गेम को निकालने का कोई फायदा हमारा नहीं होगा। भी गाइस रॉकस्टार के गेम पैड होते हैं, उसके साथ साथ इनका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होता है, तो भाई कोई क्यों ही खरीदेगा इन गेम्स को जिनमें ना स्टोरी अच्छी है, ना गेम प्ले अच्छा है, ना ग्राफिक अच्छे है। तो भाई वही रीजन होता है कि रॉकस्टार गेम ने तभी इन गेम्स को पीसी और एंड्रॉइड के लिए नहीं निकाला। हाँ लिबर्टी सिटी स्टोरीज को तो निकाला एंड्रॉइड के लिए, लेकिन पीसी के लिए नहीं निकाला। और सेकंड रीजन जो कि आपको पता है कि पीएसपी एमुलेटर और पीएस2 का एमुलेटर कि भाई सबसे बड़ी रुकावट यही बने हुए हैं इन गेम्स के पीछे। फिर बात आती है कि ये गेम एक्सबॉक्स पे भी क्यों नहीं आ रहे, तो देखो यार ये दोनों गेम प्लेस्टेशन सोनी एक्सक्लूसिव के गेम्स है, तो भाई आप समझ ही सकते हो कि ये एक्सबॉक्स पे क्यों नहीं है। हाँ भाई आप लोग जानते हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गाइस फिर आपका यही क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई सिटी स्टोरीज और लिबर्टी सिटी स्टोरीज को कैसे खेला जाए अपने पीसी में। सबसे पहले तो भाई मुझे कमेंट आई थी कि वाई सिटी स्टोरीज में फेटल एरर आ रहा है, जो कि मैंने आपको मोड दिया था। यार ये मोड फेटल एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई ये गेम पूरी तरीके से नहीं बनी और ये टेक टू इंटरएक्टिव की वजह से भाई ये गेम कैंसिल कर दी गई। फिर आप वाई सिटी स्टोरीज को पूरी तरीके से खेल सकोगे मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें वाई सिटी स्टोरीज को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया जिसमें आपको पूरे मिशन दिए जाते हैं। बेसिकली ये होता तो पीएसपी का गेम है जो कि आपको डायरेक्ट ईएक्सई फाइल दी जाती है, ना आपको पीएसपी एमुलेटर को डाउनलोड करना पड़ता है, ना आपको वाई सिटी स्टोरीज को डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ वाई सिटी स्टोरीज को डाउनलोड करना पड़ता है लेकिन पीएसपी एमुलेटर या फिर इन चक्रों में नहीं पड़ते, ये फुली ऑप्टिमाइज होता है। फिर बात आती है कि लिबर्टी सिटी स्टोरीज को कैसे खेला जाए, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट ये गेम पीएसपी पे डायरेक्ट नहीं होगा। भाई हमारे ओनर मॉडर्स ने वाई सिटी को मॉड करके जीटीए लिबर्टी सिटी स्टोरीज बनाई है। गाइस इसमें होता क्या है कि भाई इसमें आपको सारे मिशंस दिए जाते हैं विद ओरिजिनल कंटेंट, सारे कट सीन्स वही होते हैं, सारे साउंड्स वही होते हैं, गाड़ी के साउंड कुछ भाई वही होता है। आप समझ ही सकते हो जब हमारे मॉडल किसी चीज को लेते हैं तो भाई बिल्कुल सही करके छोड़ते हैं। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट मोड होगा फॉर GTA Vice City जिसमें आप GTA Liberty City स्टोरीज को खेल सकोगे। जो मैंने आपको दोनों गेम्स बताए दोनों में आपको पूरे मिशंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो भाई बिना किसी मुश्किल या किसी रुकावट के आप दोनों गेम्स को कंप्लीट कर सकते हो इसी तरीके से अपने पीसी में। तो भाई इस बात पे तो लाइक करना बनता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। आपको बहुत ही ज्यादा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई सपोर्ट करते रहना इस वीडियो में। तो बस यार मैं भी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।